ओके गाइज, ये देख सकते हैं आप लोग, आज हम लोग आए हुए हैं मीरपुर खास सिंध पाकिस्तान में। तो पहले हम लोग आए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इबले शाह की दरगाह पे। तो बस अभी वहीं के लिए रवाना है, वहीं के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये गांव में मुतासिर है ना, तो देख सकते हैं अभी हम वहीं पर ही जा रहे हैं। अच्छा गाइज, मैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर बहुत मतलब जो है वो कच्चापन था ना, अब तकरीबन जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी दीवारें बन गई हैं और बंगले लोगों के बन गए हैं। जब मैं पहले आया था तो काफ़ी सारी झोपड़ियाँ थी, झोपड़ियाँ अभी भी हैं, देख सकते हैं, ये देखें, ये झोपड़ियाँ अभी भी यहाँ पर हैं मौजूद। तो काफ़ी अंदर जाकर जो है वो ये दरगाह आती है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं ज़मीन, ये है बंजर ज़मीन ना, जहाँ पर कभी खेत नहीं उगता, लेकिन कोशिश में लगे बने ये लोग, देखते हैं, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से हम व्यू दिखाते हैं आपको दरगाह का, लेकिन दिखेगा नहीं गाइस, बहुत दूर है और इस वक्त हम गाड़ी पे हैं। तो बस वहाँ के लिए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे दरगाह पे पहुँच कर भी। बहुत ज़्यादा अंदर गाँव में दरगाह बनी हुई है और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है दरगाह पर जाकर। यहाँ पर बिजली आई थिंक नहीं है शायद, क्योंकि कोई खंभे वगैरह नज़र नहीं आते। ये हैं दो तीन खंभे यहाँ पर, अब पता नहीं क्या सीन है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर झोपड़ियाँ हैं बहुत सारे, जो बेचारे गरीब मिस्किन लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। ये देखें, अपना अपना डेरा डाला हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखें ये देखें, अब देखें गांव का मज़ा, यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गांव गोठों में जाते हैं तो। और रहने का भी यहाँ एक अलग ही मज़ा है, एक अपनी ज़िंदगी है। हमारे साथ और भी हमारे दोस्त कज़न लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप ये पीछे। ऐसे हैं जो समझ से बाहर हो जाते हैं, ये देख सकते हैं गंदम है, ये वक्त से पहले ही उतर चुकी है। ये देखें, अभी सफाई होना इसकी बाकी है। ये देखें आप, यहाँ पर गन्ने का भी खेत है, ये देखें, ये आंटी गन्ना काट रही है और ये सारे तकरीबन गन्ने हो गए हैं ना। ये देखें, यहीं पर ही दरगाह है ना, ये रास्ता दरगाह का, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं, ये देखें। ये दरगाह में हम लोग आ चुके हैं, ये देखें आप गन्ने का दरख्त, अच्छा गाइस ये देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पर सांप मिला है, ये अजदा का बेटा है पता नहीं क्या, ये देखें शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, पर ये तकरीबन बड़ा है तो हमने इसको बोतल में बंद कर लिया। ये देख सकते हैं, ये देखें, ये इसका मुंह है, तकरीबन ये लेंथ में अच्छा खासा है, ये देख सकते हैं, इसको हमने बोतल में बंद कर लिया। ये जगह ही ऐसी है गाइस के ये चीज़ मिलना यहाँ पर आम है। अच्छा गाइस देखिए, अब हम छोड़ने लगे हैं सांप को, बस इधर ही छोड़ो, इधर ही छोड़ो, तो ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये भी छोटा सा बच्चा है तकरीबन, ये देखिए इसका चलना देखिए गाइस, इस वक्त जंगल में हमने इसको छोड़ दिया है जहाँ से मिला था हमें, ये देखें गाइस, ये देखिए बहुत जल्दी चला गया अंदर, ये भाग गया। अच्छा गाइज़ ये देखिए आप, ये तकरीबन खेत हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, ये देख सकते हैं आप, हम लोग इस वक्त दरगाह में पहुँच चुके हैं, अंदर इंटर होने वाले हैं। तो चलिए आइए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं दरगाह का, अंदर की ज़्यारत कराते हैं दरगाह की आप लोग। ये देख सकते हैं आप, यहाँ का व्यू है,
तकरीबन मुरीद बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा ये देख सकते हैं जी, ये दरगाह जब पहले थी तो मकसद ये दरगाह नहीं थी ना, किसी को कुछ पता नहीं था। तो सुनने में ये आता है कि कहते हैं कि किसी को ख्वाब में आया कि ये दरगाह जो है वो बनाई जाए, यहाँ पर दरगाह है, तो फिर जो है वो दरगाह यहाँ पर बनी है। देख सकते हैं आप, ये यहाँ कर मजदूर हैं और तकरीबन काम यहाँ का स्टार्ट है। हाँ ये देखें, ये अलम पाके, ये दिखाना है यार ज़रा, ये अलम पाके देख सकते हैं यार आप। चलें अभी चलते हैं अपन मज़ार पे, और ये देखें ये बनावट है इसकी, यहाँ से तकरीबन पानी जाता है, कहते हैं ना वाटर ट्यूब वेल जिसको कहते हैं, तो यहाँ से पानी जाता है, तो तकरीबन जो है वो जगहों पे जितने भी दरख्त वगैरह उनको पानी मिलता है। ज़्यादा वो तो नहीं है ना, तो हमें नहीं पता गाइस कि हमें वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि सही है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमने सोचा एक व्लॉग डाल देते हैं, एक वीडियो हो जाएगी। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि दरगाहों की वीडियोस पिक्चर वगैरह नहीं ली जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं हैदराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद से मीरपुर खास आया, तो हमने सोचा एक व्लॉग हो जाए। तो चप्पल उतारनी पड़ेगी गाइस यहाँ पर, ये देख सकते हैं। आ जाए जी। अच्छा जी ये देखें, ये मेरे कज़न लोग हैं जो दरगाह की सफाई वगैरह करते हैं, ये रोज़ का इनका ये है ना ऐसा सीन है, इनकी जॉब है, ड्यूटी है इनकी ना, यहाँ पर आकर इनको सफाई करनी होती है। सभी देख सकते हैं आप, ये दरख्त है फिर भी मतलब इतना गंद नहीं है, यहाँ देख सकते हैं पत्ते वगैरह नहीं है, क्योंकि रोज़ाना आकर यहाँ पर सफाई करते हैं। तो अभी चलते हैं दरगाह पे। हाँ तो ये मेन मुद्दा था, ये एक पॉइंट है कि यहाँ पर जब भी छत बनती है तो गिर जाती है, ऐसा कुछ है ना। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर छत नहीं बना सकते ना, मतलब अलाउ ही नहीं है ना साईं की तरफ से, ऐसा कुछ है कि जब भी छत बनती है तो वो टूट जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। ये जो दरख्त है ना इसी की छांव यहाँ पर लगती है बस, और ये डंडे वगैरह लगा दिए बस, ऐसा कुछ है। तो छत यहाँ पर नहीं बना सकते ना, काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही है, और छत जो है बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और ये दरख्त देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो है वो साइड, वैसे सीधा जाना चाहिए दरख्त तो, लेकिन ये साइड में आकर यहाँ पर झुका हुआ ना छाया देने के लिए, धूप वगैरह से प्रोटेक्ट हो जाती है। तो आगे हैं, आ गया है ना दरख्त का ये ब्लेड है। अच्छा जी जो देख सकते हैं आप, ये दरख्त एक बार काटा गया था ना, तो लोगों ने सोचा एक दफ़ा दरख्त काटते हैं यहाँ पर छत बनाई जाएगी, तो ऐसा हुआ कि दरख्त में से देख सकते हैं ये पानी टाइप का कुछ निकला है। ज़रा मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि ज़रा इधर आए और ये दिखाएं इनको, हमारे व्यूवर्स को, ये देखें जरा आप, ये थोड़ा ब्लेड टाइप का है, पता नहीं क्या सीन है, ब्लैक ब्लैक और रेड रेड भी है ना इसमें, ये देखें कितना सारा यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखें गाइस, ये जब दरख्त काटा गया था लेकिन कटा नहीं दरख्त ना, देखें दरख्त नहीं कट पाया, ये देखें। तो यहाँ पर छत बनाना अलाउ नहीं है, बस ये है साईं की दरगाह, साईं का नाम है साईं इबलीस शाह सरकार। तो ये बिल्कुल कच्चे में है, और देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान है यहाँ पर, ये वहाँ पर जो है बनी हुई मीरपुर खास के शहर में। और ये देखें आप, बहुत आला किस्म की जो है वो ये डिज़ाइनिंग है, लेकिन कुदरती है। चल भाई क्या करना है साहिल बता यार, अगरबत्ती जला पहले, अगरबत्ती सारे जला दियो। हाँ आज रात लेकर आया है, पड़ी है इसके अंदर, बना तू बट जला ले, बट बना ले यार, बट बना ले। सारी वहाँ पर लगेगी, यहाँ पर लगेगी, वहाँ पर लगेगी, यहाँ पर लगेगी, क्या चीज़ अगरबत्ती है ना, अगर लेगा तो अच्छे होगी, मोटी बनाओ ना।
ये काम की तो जरूरी ये वीडियो बनाना ये वाला काम की क्योंकि सबको पता है आपकी बात यहाँ आ जाके हो रहे हैं नहीं एक दफ़ा तबरी के लिए ना है ना ये पता लग जाएगा तेल भी लाया ना तेल भी लगा दी तेल भी लेके हाँ तेल की बोतल कहाँ वो पड़ी है उसमें डाल दें पहले इसमें डाल दें फिर इसमें डाल दें अपन कब आए थे यहाँ पर पता है अपन अभी आए थे ना नहीं हम आए थे छोटा और मैं आए थे हम आए थे घर वालों को लेकर आए थे तेल प्रसाद रखा की जगह अच्छा वहाँ पर भी जला देगा क्या ये जलाते हैं खुद ही रख देनी ये जलाएंगे खुद ही लगा इधर लगा नहीं लगा लगा दे, लगा दे, लंबे भी ये लो ये ले बट हाँ और कहाँ जानी अलम पे ये वाले अलम पे भी लगा वहाँ पर बैठे बना के लानी पड़ेगी जय बाबा जी।